देख रहे हैं अनोखी आवाज न्यूज। सिंगरौली के मोरवा थाना अंतर्गत चोरी करने के नियत से घुसा आरोपी ने सुनसान घर में अकेले देख देव कुमारी को मौत के घाट उतार दिया। 10 दिनों से तलाश कर रही मोरवा पुलिस ने आरोपी सतल बैगा पिता राम बिचारे बैगा को उसके साली के घर से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार मोरवा थाना अंतर्गत के मेढौली में 14 जून की दरमियानी रात चोरी करने के नियत से घुसा आरोपी सतल बैगा पिता राम बिचारे बैगा ने अकेले घर में देव कुमारी यादव को देख हत्या कर फरार हो गया था, जिस काफी लंबे समय से तलाश कर रही पुलिस ने गत दिवस उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के पास एक सूचना मिला है, लगभग 16 तारीख शाम के आसपास एक आपकी महिला है श्रीमती देव कुमारी यादव 62 ईयर्स है, उनके लाश मिला है। इसी तरह से पुलिस की तरफ से सूचना मिला था। उसके बाद उनके बड़ा बेटा है अंजनी यादव, वो आपके बताया था सर, मेरा पुलिस भी गया था घटनास्थल और मैं भी गया था घटनास्थल में, देखा है ये इनका गला दबा के और अन्य चोट भी कुछ था और मृत्यु हालत में पड़ा है। इसी में तत्काल हम लोग एक SDOP के नेतृत्व में और थाना प्रभारी और सब के नेतृत्व में टीम गठन किया है, उसमें हम पता करने के लिए शुरू किया है किस कारण से इसको मारा गया है और बहुत गंभीर रूप से चोट भी था इनका। इसमें हमारे पास पुलिस के पास एक मुकदमा भी बचे था 302/449/404 IPC भी हम लोग बाद में बढ़ा दिया था। इसमें आरोपी का हम लोग संदेह के रूप से एक आदमी को पकड़ा था, वो उसी गांव का है और उनके नाम है शतल बेगा और हमारा थाने का रिकॉर्ड में उनका निगरानी बदमाश भी है और अभी अभी 3 साल का सजा काट के वापस भी आया है। ये क्या है, उसी इलाका में उसके बगल में एस्बेस्टस सीट है, इसको चोरी करने के लिए गया था। ये महिला का मालूम पड़ गया, नाम से ये चिल्ला करके सबको बताना शुरू कर दिया। इसी में नाम तो इनका नाम बाहर आने के कारण से इसको सीधा जाके उसको डंडे से मारा है, उसको गला दबा दिया है और अन्य चोट भी पहुँचा दिया। इसी आरोपी से हमारे पास ये लड़की से महिला से लगभग 1800 रुपये और उसका पर्स पासबुक वगैरह जब्ती भी किया है। आगे अभी पुलिस रिमांड में लेके